न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा पीएम मोदी पर जमकर बरसी और तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और अब तो गलत शब्दावली का प्रयोग कर जनता में जहर उगलने लगे हैं। व्यास रेवाड़ी में महिला शक्ति कार्यक्रम के तहत ऐप लॉन्च करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर दबे कुचले और महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है प्रदेश और देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। क्राइम ब्यूरो के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह फ्लॉप पहुंच चुकी है, तभी तो भाजपा के विधायक और सांसद ही सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से सीधे मन की बात करने के लिए राहुल द्वारा शुरू की गई महिला शक्ति ऐप प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग कर एक विशेष नंबर दिया जो सीधे राहुल के दफ्तर से जुड़ेगा। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी राहुल गांधी की शुरुआत को महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देने की एक अच्छी पहल बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को मौसमी मंत्री बताया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। शुरुआत हमने रेवाड़ी से की, हर डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं महिला कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने ये कार्यक्रम दिया है कांग्रेस पार्टी ने और ये एक अलग से नंबर दिया है खास तौर पर महिला कांग्रेस के लिए, ताकि मोदी जी की तरह ना कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, हम यहाँ पर लोगों की, महिलाओं के मन की बात सुनते हैं। खुद सरकार का रिकॉर्ड ये बता रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो अपने आंकड़े निकालता है, उसमें ये साफ बात दर्शाई गई है कि मोदी सरकार आने के बाद महिलाओं पर और दूसरे कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़े ही बढ़े। अब ये मोदी जी बातें कितनी ही करें, बातें करने में माहिर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है, असलियत ये है कि ये अत्याचार बढ़े हैं और इन्होंने जो एक इनकी मानसिकता है, कहने की और बात होती है, दाती हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है, महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही है और ये झूठे नारे ही देती है। बीजेपी इनके सांसद हैं, इनके विधायक हैं, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की है या राज्य की है पूरी तरह से विफल है। और अब तो ये आवाजें खुद इन्हीं के विधायकों और सांसदों ने कहनी शुरू कर दी है। लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना शुरू किया है जो आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन जिस तरह के शब्द वो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इतना जहर जो उगलते हैं पब्लिक लाइफ में, मैं तो कहती हूँ कि सुमित्रा जी ने बहुत माइल्ड शब्द का इस्तेमाल किया। कुमारी शैलजा जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि राहुल जी का जो उन्होंने आज ये ऐप लॉन्च किया है उसके द्वारा जो महिलाएं हैं वो सीधे तौर पर जो है राहुल जी से अपनी मन की बात कर सकेंगी। है कि राव इंद्र जी की तो ये फितरत है कि जिसकी पार्टी में होते हैं जब समय पूरा होने वाला होता है तो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। वैसे वो ठीक कर रहे हैं कि सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, लेकिन बजाय उसके अगर हम लोग बोलें तो अच्छा है। जब कांग्रेस की बुराई भी करते थे, पार्टी छोड़ गए थे, तो मुझे लगता है अभी वो ग्रेड की तरह रंग बदलने वाले हैं। कांग्रेस को भी उन्होंने डूबता हुआ जहाज बोला था और वही इस तरीके से क्या पार्टी, मैं बताता हूँ ना, वक्त देख कर, मौसमी नेता है ये, मौसम देख के अपनी जो है भाषा बदल लेते हैं, अपनी कार्यशैली बदल लेते हैं। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी डूबता जहाज है, इसलिए हो सकता है कहीं और कूदना चाहते हैं।